क्या आप इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि जानवर भी आत्महत्या करते हैं? हम इंसानों के पास सोचने समझने की शक्ति होती है और इसी आधार पर जब इंसान जिंदगी से तंग आ जाता है और उसे लगने लगता है कि जिंदगी से तो मौत आसान है, तो वो आत्महत्या का रास्ता अपनाता है। मगर जानवरों के मन में एक ख्याल कैसे आ सकता है कि नेचुरल डेथ के अलावा भी मौत का एक तरीका है? मगर सच तो ये है कि ऐसे कई मामले इतिहास में दर्ज है। आज के वीडियो में हम ऐसे ही रहस्यमयी मामलों को नजदीक से समझने वाले हैं और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन वजहों के चलते उन्होंने ऐसा किया। चलिए वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। आपसे बस इतनी गुजारिश है कि मेरे साथ आखिरी तक बने रहिएगा। नंबर 9, ये घटना बहुत पुरानी है। साल 1845 में लंदन के एक अखबार में ये अजीबोगरीब खबर छपी थी कि एक काले रंग के बहुत खूबसूरत कुत्ते ने पानी में कूदकर जान दे दी। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये थी कि जब वो पानी में कूदा तो उसने तैरने के लिए पैर मारने की कोशिश तक नहीं की। नॉर्मली कुत्ते ऐसा नहीं करते, वे बहुत अच्छे तैराक होते हैं और जाहिर सी बात है एक तैराक कभी भी पानी में डूब कर आत्महत्या नहीं कर सकता। जब उस कुत्ते को पानी से निकालकर बाहर लाया गया तो वो दोबारा पानी में कूद गया और आखिरकार उसने अपनी जान ले ही ली। बट उसने ऐसा क्यों किया, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। नंबर 8, अब बात करते हैं पूरी दुनिया में आज तक हुई जानवरों की तमाम आत्महत्याओं में से सबसे अनोखी, रहस्यमयी और अनसुलझी घटना के बारे में। ये है स्कॉटलैंड का ओवरटाउन ब्रिज। ये ब्रिज डॉग सुसाइड पॉइंट के नाम से पूरी दुनिया में बदनाम है। जी हाँ दोस्तों, इस ब्रिज को डॉग सुसाइड पॉइंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस ब्रिज से गुजरने पर कुत्ते यहाँ से बिना किसी वजह के कूद कर आत्महत्या कर लेते हैं। लोगों का ये मानना है कि इस ब्रिज पर भूतों का साया है और जैसा कि माना जाता है कि कुत्ते इस तरह की विचित्र शक्तियों को देख सकते हैं और उन्हें महसूस कर सकते हैं। ये आत्माएं और भूत इन्हें बुलाते हैं और ये ब्रिज पर से छलांग लगा देते हैं। इस घटना के ऊपर आज तक कई रिसर्च की जा चुकी है मगर वैज्ञानिक इस पहेली को सुलझाने में अब तक नाकाम रहे हैं। स्टडीज में कुछ कॉमन बातें निकल कर आई है, जैसे कुत्ते अक्सर दिन के समय ही इस ब्रिज से छलांग लगाते हैं और ये कि मरने वाले कुत्तों में ज्यादातर लंबी नाक वाली नस्ल के कुत्ते थे। इसके अलावा सारे कुत्तों ने ब्रिज से एक ही पॉइंट से कूद कर अपनी जान ली है। ये जगह ब्रिज के दाईं ओर बनी रेलिंग के बीच में है। इन बातों से ये नतीजे निकाले जा सकते हैं कि रात के अंधेरे में पैर फिसलने से या भूल से ब्रिज से गिर जाने से कुत्तों की मौत नहीं हुई है बल्कि उन्होंने जानबूझकर छलांग लगाई है। वैज्ञानिकों का तो ये मानना है कि इस पॉइंट पर आकर कुत्तों को उदबिलाव की बड़ी तेज खुशबू आती है, इसलिए उनका शिकार करने के लिए कुत्ते वहाँ से छलांग लगा देते हैं। मगर दूसरी बात ये भी है कि उदबिलाव तो पूरे स्कॉटलैंड में पाए जाते हैं, फिर इस ब्रिज से कूदकर ही उनका शिकार क्यों करना है? खैर, इतनी रिसर्च और इतनी एनालिसिस के बाद भी आज तक इस रहस्य से पर्दा उठ नहीं पाया है और इसलिए लोगों ने इस ब्रिज पर अपने कुत्तों के साथ जाना बंद कर दिया है। अगर आप इस पहेली का हल गैस कर पा रहे हैं तो मुझे कॉमेंट में जरूर बताइएगा कि क्यों आखिर बेवजह ही ये कुत्ते इस ब्रिज पर से कूदकर आत्महत्या कर लेते हैं। नंबर 7, ये घटना घटी थी टर्किश चरवाहों के साथ जिसने चरवाहों के साथ साथ पूरे गांव की रातों की नींद उड़ा दी थी। हुआ यूं था कि एक साथ 1500 से भी ज्यादा भेड़ों ने एक ऊंची पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। खैर, सारे भेड़ों की मौत नहीं हुई थी क्योंकि सारे भेड़ों ने पहाड़ी की एक ही जगह से नीचे छलांग लगाई थी, इसलिए जो भेड़ सबसे पहले कूद पड़ा था उसकी तो मौत हो गई थी मगर उसके बाद वाले सब भेड़ों ने एक के ऊपर एक करके छलांग लगाई थी, इसलिए उन्हें गंभीर चोट तो आई मगर उनकी जान बच गई। भेड़ों के इस जौहर के पीछे किस अलाउद्दीन खिलजी का हाथ था, यानी ये आत्महत्याएं किस वजह से हुई थी, इसका कारण आज तक एक रहस्य बना हुआ है। वैसे कॉमनली लोगों का ये मानना है कि भेड़ बहुत ही गजब किस्म के फॉलोअर्स होते हैं और अपने आगे चल रहे भेड़ का ही अनुसरण करते हैं, मगर एक बात तो तय है कि जान की परवाह तो सभी जानवरों को होती है। ऐसे में आखिर क्या वजह रही होगी जो कि एक भेड़ के छलांग लगाने के बाद बाकी सब ने भी उसके पीछे पीछे पहाड़ी से छलांग लगा दी। वैसे भेड़ों के एक दूसरे को फॉलो करने के व्यवहार का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है मगर यदि इसे सच मान भी ले तो अब सवाल उठता है कि आखिर पहले भेड़ को भी पहाड़ी से कूदने की क्या जरूरत पड़ी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना से गांव वाले बहुत डर गए थे
और इसे किसी भूत प्रेत जैसी चीजों से जोड़कर देखने लगे थे। कई रिसर्चेस के बाद भी साइंटिस्ट इस मास सुसाइड का कारण नहीं पता कर पाए। नंबर 6, कभी कभी ये भी होता है कि अपने साथी या मालिक की मौत जानवरों को इतना दुखी कर देती है कि उसी दुख के चलते वे अपने प्राण त्याग देते हैं। इसी तरह की एक घटना घटी थी जिम्बाब्वे के नेचुरल रिजर्व में, जहां एक शेर की मौत हो गई थी। इस मौत से उसके साथ रहने वाली शेरनी बहुत दुखी हो गई थी। उसके चेहरे पर उदासी और मायूसी की इबारत साफ साफ पढ़ी जा सकती थी। अगले दिन शेरनी की लाश मिली। एक्सपर्ट्स का यही कहना था कि जुदाई के गम ने इस शेरनी की जान ली है। नंबर 5, साल 2009 में तास्मेनिया में भी इसी तरह की अजीबोगरीब घटना घटी, जिसने वैज्ञानिकों के दिमाग के फ्यूज उड़ा दिए। यहाँ समुद्र के एक इलाके में एक साथ कई सारी वेल मछली मरी हुई पाई गई और करीब 200 वेल्स की लाशें समुद्र के किनारे आकर इकट्ठी हो गई। वेल मछली के एक साथ इतनी तादाद में मरने की ये कोई पहली घटना नहीं थी। दुनिया के अलग अलग इलाकों में कई बार इस तरह वेल्स की लाशों के ढेर देखे जा चुके हैं, मगर वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने में अब तक नाकामयाब रहे हैं कि आखिर क्या वजह है जो इन वेल्स को एक साथ काल की गर्त में भेज रही है। समुद्र की क्लाइमेटिक कंडीशंस में बदलाव या फिर धरती में बदलते मौसम की वजह से वेल्स को अपनी जान गंवानी पड़ रही है, या इसे भी मास सुसाइड का तमगा लगा दिया जाए। कोई भी इस बारे में कुछ भी कह पाने की स्थिति में नहीं है इस वक्त। ये रहस्य आज भी समुद्र की गहराइयों में दफन है। नंबर 4, अगली घटना का संबंध कैलिफोर्निया से है। जनवरी 2005 में यहाँ समुद्री तट पर भारी संख्या में स्क्विड मरे हुए मिले। स्क्विड एक तरह का एक्वेटिक एनिमल है जिसकी 10 भुजाएं होती है और इनमें रंग बदलने की कमाल की कला होती है, मगर ये समंदर के बहुत गहराई में रहते हैं और साइंटिस्ट भी इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर कैसे हजारों की संख्या में स्क्विड्स की लाशें समुद्री किनारे पर आ गई। जाहिर सी बात है, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए भी बहुत रिसर्च की गई, मगर ये सवाल लाजवाब ही बना रहा। अगर इसे आत्महत्या माना जाता है तो भी समुद्र के किनारे आकर मरने का कोई कारण समझ नहीं आता। अगर ये माना जाए कि जहरीले पानी या किसी जहरीली चीज को खाकर इनकी मौत हुई है, तो फिर सवाल उठता है कि इनके साथ ही रहने वाले बाकी के समुद्र जीवों की मौतें क्यों नहीं हुई, सिर्फ स्क्विड्स ही क्यों मरे। ये घटना किसी जानवर के आत्महत्या करने के मामलों में सबसे ज्यादा चौंका देने वाली और रहस्यमय थी। नंबर 3, अभी तक जिन घटनाओं पर हमने बात की उनमें एक बात कॉमन थी कि सभी घटनाओं में मरने वाले जानवरों की मौत एक साथ हुई थी। जिनमें से कुछ बच गए तो कुछ की मौत हो गई, मगर अब जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह इतनी ज्यादा अटपटी है कि पहली बार में तो आप विश्वास ही नहीं कर पाएंगे। ये घटना घटी थी स्विट्जरलैंड में। यहाँ एक फार्म की करीब 28 गायों और सांडों ने एक पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे दी थी। इस बार अलग बात ये थी कि इन्होंने एक साथ ऐसा नहीं किया, बल्कि इन्होंने अलग अलग दिन और अलग अलग टाइम पर जाकर ऊंचाई से छलांग लगाई थी। हाँ, मगर छलांग लगाने की जगह एक ही थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन जानवरों ने आत्महत्या करने का ये अजीबोगरीब और चौंका देने वाला कदम आखिर उठाया ही क्यों? हालांकि इन बातों के पीछे की सही वजह जानना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बात भी उतना ही सच है कि गायों में दोस्त बनाने की एबिलिटी और एटीट्यूड होता है, और इनमें भी इमोशंस और एम्पैथी जैसी फीलिंग्स होती है, और शायद यही वो वजह हो जिसकी वजह से एक ही फार्म की गायों ने अपनी सहेली के मर जाने के बाद उसी के रास्ते पर चल पड़ी। लेकिन आखिर पहली गाय ने भी ये रास्ता क्यों अपनाया, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। नंबर 2, कहानी यही खत्म नहीं होती। समुद्री जीवों की सामूहिक आत्महत्या का ये सिलसिला हमें आगे न्यूजीलैंड ले जाता है। साल 2011 में न्यूजीलैंड की समुद्री तट पर सैकड़ों की संख्या में स्नैपर फिश की लाशें पड़ी हुई मिली। इस बार कहानी और भी ज्यादा उलझी हुई और भयानक थी। दरअसल इन सारी मरी हुई मछलियों में एक बात जो सबसे अजीब थी वो ये थी कि इन सारी मछलियों की आंखें नहीं थी। साइंटिफिक रिसर्च ने इस बात को और भी उलझा दिया, क्योंकि रिसर्च से ये बात सामने आई कि सारी मछलियों की आंखों के ना होने के पीछे का कारण अलग अलग है। यानी सारी मछलियों की आंखें किसी एक वजह से नहीं फूटी थी। अब कोई अनुमान भी कैसे लगा सकता है कि असल में क्या हुआ होगा, कैसे इतनी तादाद में मछलियों की आंखें फूटी, कैसे एक साथ इनकी मौत हुई और कैसे ये एक साथ एक जगह पर इकट्ठा हो गई।
अगर आप इस घटना के पीछे का कारण गैस कर पा रहे हैं तो मुझे अपने आइडियाज कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर वन, चलिए आपको लेकर चलता हूँ जतिंगा वैली में, जो भारत के असम राज्य में स्थित है। ये जगह पूरी दुनिया में बर्ड सुसाइड पॉइंट के नाम से बदनाम है। इन जगह की खच्चर नाम की घाटी की तलहटी में सैकड़ों की संख्या में हर साल मानसून के महीने में पंछी मास सुसाइड करते हैं। अब वे ऐसा क्यों करते हैं, ये बात तो अभी तक रहस्य बनी हुई है, मगर इस घटना के बारे में स्थानीय लोगों के बीच कई कहानियां प्रचलित है। जैसे कि इस पहाड़ी पर भूत प्रेतों का वास है और ये बुरी शक्तियां ही पंछियों को आत्महत्या के लिए उकसाती है, और इसी वजह से जिस दिन कोहरा छाया हो या अमावस की रात हो तभी पंछी सबसे ज्यादा आत्महत्या करते हैं। यहाँ कई वैज्ञानिक शोध हो चुके हैं मगर कुछ खास जानकारी हाथ नहीं लग पाई और ये घटना रहस्य ही बनी हुई है। इसी तरह की कई सारी घटनाओं की ये दुनिया साक्षी रह चुकी है, जब जानवरों ने आगे बढ़कर अपनी जान लेने का फैसला किया और हर घटना एक रहस्यमय पहेली बनकर खत्म हो जाती है। पूरी दुनिया में किसी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि आखिर क्यों जानवर आत्महत्या करते हैं। ऐसा माना जा सकता है कि धरती के बदलते मौसम, तापमान में बढ़ोतरी और टेक्नोलॉजी का दिन ब दिन बढ़ता उपयोग कहीं ना कहीं दुनिया की इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा रहा है और इस तरह की अजीबोगरीब घटनाएं घट रही हैं, और इस सब का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इंसान है। इंसान ने ही अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए धरती का इस कदर दोहन किया है और अपने साथ साथ धरती पर रहने वाले दूसरे जानवरों के अस्तित्व को भी संकट में डाल दिया है। आपका इस बारे में क्या कहना है? इन घटनाओं को सुनकर आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें आप कमेंट्स के जरिए मुझसे शेयर कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए, और वाइल्ड लाइफ के अनछुए पहलुओं को वीडियोस के जरिए हम आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे।